साथियों, आप जुड़े हो डीसीएन लाइव से और मैं हूं आपका साथी गणपत चौधरी। साथियों, अभी मैं खड़ा हूं बायतू उपखंड मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बायतू के मुख्यालय पर। साथियों, आपको बता दूं कि इन दिनों मौसमी बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही है, जगह जगह लोग हैं जो बीमार हो रहे हैं। दिन का जो समय होता है उस टाइम करीबन 600 से 700 के आसपास बायतू की ओपीडी होती है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है, लोग हैं वो कतारों में खड़े रह के डॉक्टरों के पास अपनी जांच करवाते हैं और उसके बाद जो इंजेक्शन रूम है और दवाइयां लेने का जो केंद्र है वहां पर भी लोगों की है जो कतारें लगी रहती है और जांच केंद्र है वहां पे भी लोगों की कतारें लगी रहती है। आपको बता दूं कि अभी चीन में कोई एक नया वायरस है जो बच्चों को घेर रहा है, हालांकि अपने भारत में अभी तक उसका कोई कदम नहीं पड़ा और प्रशासन है, सरकार है, सभी अलर्ट मोड पर हो चुके हैं और उन्होंने उस बीमारी को उसी देश तक समाप्त करने की जो है सोच लिया है। यहाँ के मैं बता दूँ बायतू हॉस्पिटल के बच्चों के जो शिशु रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर शिवराम प्रजापत, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानकारी लेंगे कि छोटे बच्चे जो हैं उनको इन बीमारियों से, जो मौसमी बीमारियां चल रही है इनसे किस प्रकार से बचाया जा सके। उसके साथ साथ जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको भी कई प्रकार की बीमारियां लगी रहती है तो उन बीमारियों से कैसे बचाव किया जा सके, इन सभी बातों को लेकर मैं आपको मिलाता हूँ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवराम प्रजापत, जो बायतू के बीसीएमओ ब्लॉक मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी भी है। अभी जनरली इन्फ्लुएंजा वायरस का जो सीजन चल रहा है तो ये हमेशा मतलब सर्दी जैसी बढ़ती है तो इस प्रकार के केस ज़्यादा आने लगते हैं। अभी मैक्सिमम पेशेंट जो आ रहे हैं 80 से 90% लोगों को बस वही सर्दी जुकाम खांसी है, तो इसके लिए मैं आम जनता से यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को, बुजुर्ग खासकर जो जनरली से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं उनको सर्दी से बचाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, अपने नाक मुंह भी ढक के रखें क्योंकि ये भी सांस के द्वारा फैलने वाला ही वायरस है। बस में संपर्क कम रखें, जिन लोगों को खांसी जुकाम पहले से हो रखा है उनसे थोड़ी दूरी रखें। अपना कोई भी घर में परिवार में सदस्य बीमार होता है तो उसको जनरली गांव में दवाइयां नहीं लेके जल्दी से अपने गांव में जो भी चिकित्सक है या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके दवाइयां लें, गांव में इधर उधर लोगों से, अनजान लोगों से दवाइयां नहीं लें। छोटे बच्चों में भी जनरली अभी जो बीमारी चल रही है सबसे ज़्यादा खांसी जुकाम और सांस में तकलीफ, जो कि हमेशा ही सर्दी के सीजन में होता है, तो इसके लिए बस यही संदेश है कि बच्चा जैसे ही बीमार होता है, पसलियाँ सड़ने लग जाती हैं, ज़्यादा खांसी आ रही है तो तुरंत आप चिकित्सक की सलाह लें, ना कि इधर उधर गांव में लोगों से ट्रीटमेंट नहीं कराएं। और अभी जो सुना जा रहा है कि चीन में एक नया वायरस आ रहा है तो सरकार ने भी आदेश दिए हैं कि चिकित्सा विभाग होगी अपने राज्य में चिकित्सा सुविधाओं को अपडेट रखें, दवाइयाँ ऑक्सीजन इसकी, तो हो सकता है भविष्य में ये जो वायरस है सारी दुनिया में फैल जाए, इसलिए पहले से ही अपन को सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। आईसीयू में अभी तो हम जो खासकर सीरियस मरीज होते हैं जिनको कोई सांस की तकलीफ है या कोई स्नेक बाइट का पेशेंट है या फिर प्लेटलेट कम आ रही है उनको रखते हैं। आईसीयू में हमारे पास 8 बेड हैं, 2 वेंटिलेटर की सुविधा है और हमारे पास एनेस्थेटिस्ट भी है जो आईसीयू चलाते हैं, डॉक्टर नरेंद्र चौधरी। और वैसे हमारे पास अस्पताल में जनरल बेड करीब 60-70 बेड लगा रखे हैं हमने मरीजों की सुविधा के हिसाब से, थोड़ा जगह कम है, बाकी बेडों की तो कोई कमी है नहीं, हॉस्पिटल की जो है वो बिल्डिंग थोड़ी छोटी पड़ रही है अभी। मैं खड़ा हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बायतू के जो आईसीयू वार्ड में, इसमें हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र जी चौधरी भी हैं। आपको यहाँ की जो आईसीयू की जो सुविधाएं हैं उनके बारे में भी सर पूरी है जो बात बताएंगे, और आप देख लीजिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा जो अंदर का दृश्य है वो भी बता दे। कुल यहाँ 8 बेड लगे हुए हैं जिसमें 2 इमरजेंसी के हैं और बाकी वाले सारे हैं जो यहाँ मरीज जिनको ज़्यादा गंभीर बीमारी है उनको यहाँ भर्ती किया गया है। मैं डॉक्टर साहब से भी बात करूँगा कि वो यहाँ की जो भी पूरी बात है या आईसीयू में क्या क्या सुविधाएं हैं, किस प्रकार से मरीजों को देख रेख की जाती है, उसको लेकर सर हमें बताएंगे। हमारे पास 8 बेड का है जिसमें हमने 2 बेड तो इमरजेंसी, 2 बेड हमने इमरजेंसी के लिए बना रखे हैं, बाकी सारे 6 बेड हैं आईसीयू के लिए। इसमें सुविधा के नाम पर ये है कि सारे बेडों पर हमने
मल्टी पैरा मॉनिटर है जिसमें सारी पेशेंट जब हमारे पास एडमिट होता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन में हम जाँचें वगैरह सारी जो भी बीपी वगैरह सेचुरेशन वगैरह उसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन की सेंट्रल सप्लाई है जो पीछे से प्लांट लगा उसमें से और सिलेंडर से ऑक्सीजन अंदर आ जाती है तो हमें इमरजेंसी हैंडल करने में आसानी रहती है। कितनी भी इमरजेंसी आ जाए तो हम उसको 5 मिनट में स्टेबल कर पाते हैं पेशेंट को। इसके अलावा अगर फिर पेशेंट को हमें एडमिट करने की जरूरत होती है तो हम आगे शिफ्ट कर देते हैं, वार्ड की जरूरत हो तो वार्ड में भेज देते हैं, अगर आईसीयू में रखना है आईसीयू में। दो वेंटिलेटर हैं, ये वेंटिलेटर ये दो वेंटिलेटर। इसके अलावा सारी जो वर्ल्ड क्लास आईसीयू में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो हमारे पास पूरी। सर ने बताया कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जो जो सुविधाएं यहाँ मरीजों को मिलती है वो सारी की सारी सुविधाएं वो यहीं अवेलेबल है और मरीज को भर्ती करने के 5 मिनट बाद ही पूरी ये जांच कर लेते हैं इन मशीनों के माध्यम से कि इसको कौन सी क्या बीमारी है और किस प्रकार से इलाज करना है, वो सारी सुविधाएं यहाँ है जो अंदर मिलती है। कुछ मरीज भी यहाँ हैं हॉस्पिटल में, हम उनके जो साथ के परिजन आए हुए हैं उन परिजनों से भी हम बात करेंगे कि इनको मतलब क्या सुविधाएं मिलती है, किस प्रकार से है। नमस्कार बाबा जी, के माधव जी के बीमारी है डेंगू ठीक है, ठीक है हम आईसीयू में हमें रेडी है एकदम के आईसीयू की सुविधाओं लेके बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हर तरह की सुविधा है। तुम निधन जो तुम बालो तुम जाना पड़ता है घर बैठा घर का घर है बहुत बढ़िया सुविधा। डॉक्टर साहब नरेंद्र जी महेंद्र जी सब एकदम माथे ऊपर है। अच्छा डॉक्टर साहब पूरा मतलब एकदम बढ़िया सुविधा है। साथ मरीज यहाँ सोए हुए हैं, इनके परिजन है साथ में, इनसे भी हम बात करते हैं। माता जी राम राम के सुविधाओं लेन के कहना चाहो, हॉस्पिटल सुविधाओं की करे बढ़िया है, डॉक्टर साहब वगैरह देख रहे वगैरह टाइम देखे दवाइयाँ इलाज वगैरह बिजी इलाज सब टाइम कोई गलती नहीं है, बढ़िया शानदार है बढ़िया। यदि अच्छा सुविधा नहीं मिलती के बीमारी के होने के लागे था हमारे तो पुत्र बधु अच्छा मतलब सांप ने काट तो यदि इलाज अट नहीं मिलता तो कट जाना पड़ता था बालोतरा या जोधपुर। तो आप देख रहे हो कि इनको सर्द दर्द से सांप ने काट लिया है। तो बाकी इधर बुजुर्ग बाबा हैं, इनके भी साथ में इनके परिजन हैं, इनसे भी बात करते हैं। कौन सा गांव है, क्या लगते हैं बाबा जी? दादाजी बाबा के सुविधाओं में ठीक मिले बढ़िया मिले एकदम ठीक है तबीयत हमें। डॉक्टर साहब बीमारी के इलाज फिक्र करे बढ़िया करे, दवाइयाँ भी टाइम बाद मिले हैं। अच्छा के कहना चाहो डॉक्टर साहब री दवाई और व्यवस्था ले वो भाई बढ़िया करे यार। अच्छा ठीक है, क्या कहना चाहोगे आप हॉस्पिटल की सुविधाओं को और आईसीयू वार्ड और डॉक्टर साहब के बारे में? बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ, बलोतरा जोधपुर जैसी सुविधा मिल रही है यहाँ और इलाज टाइम पे मिलता है, डॉक्टर वगैरह सब स्टाफ भी एकदम टाइम पर काम करे। तो ये आईसीयू की जो सुविधाएं थी इसको लेकर डॉक्टर साहब ने भी अवगत करवाया और हम चैनल के माध्यम से भी वापस पुनः हॉस्पिटल प्रशासन का भी आभार जताएंगे कि इनकी देखरेख में इतना शानदार यहाँ हॉस्पिटल है जो संचालित हो रहा है, आईसीयू वार्ड है जो संचालित हो रहा है। आपको पुनः बता दूँ कि यहाँ कुल 8 बेड है जिसमें 6 बेड है जो मरीजों के लिए और 2 बेड है वो इमरजेंसी में, कोई इमरजेंसी में यदि मरीज आता है तो उसके लिए है। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।